गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम लोगों ने पिछले में देखा, पिछले वीडियो के अंदर, कि कुछ क्वेश्चन थे वन मार्क्स क्वेश्चन थे। अब हम कुछ वन मार्क्स और कुछ टू मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। उसमें देखना है कि क्वेश्चन की बातें क्या पूछी जा रही है। इसमें ज़्यादा डायग्रामेटिक तो है नहीं, बट तीन नंबर में डायग्राम्स कुछ रहेंगे। बट अगर डायग्राम आते हैं टू मार्क्स में तो स्पर्म फॉर्मेशन के और दूसरे डायग्राम आएंगे। तो बात वही रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन देखने, जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, और फिर उसका आंसर खुद अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तैयारी की है, तो उसको देने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ मैं आंसर आप लोगों को बता ही रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, और इसको अपने नोट्स के साथ मैच करके और उसके बारे में देखना है। तो जैसा कि हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके थे, 22 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ये है कि राइट द फिजियोलॉजिकल रीजन व्हाई अ वुमन जनरली कांट कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज। कि ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल रीजन है कि 50 साल के बाद जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। हम जानते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ते हैं तो वो लगभग 45 साल तक के करीब होता है। उसके बाद जो हम बोलते हैं मेनापोज आ जाता है, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, एग प्रोडक्शन रुक जाता है। जब एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के कोई चांस नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंशन द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बहुत सारे फंक्शन हैं। देखिए, पहले तो वो अंदर के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट तो करता ही है। इसके बाद हम लोग जोना पेलुसिडा की आगे बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। इम्प्लांटेशन में ये राइट साइट प्रोवाइड करवाता है कि कौन सी जगह पर इसको इम्प्लांट होता है, रोंग साइड से इसको बचाता है और राइट साइड पर उसको इम्प्लांट करने में हेल्प करता है। आगे हमारे पास हाउ डज स्पर्म पेनिट्रेट थ्रू द जोना पेलुसिडा इन ह्यूमन ओवम। कैसे पेनिट्रेट, कैसे घुस पाता है? तो हम जानते हैं कि जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है क्रोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को ब्रेक डाउन करके अंदर एंटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर बिलो द पार्ट ए। ये क्या है, एक बार दोबारा देख ले, गौर से देख लें आप लोग। ए, और ये स्ट्रक्चर क्या है आप देखेंगे, ये ब्लास्टोसिस्ट, याद आया कुछ? ये जो सेल देख रहे हो ये ट्रोपोब्लास्ट है। ट्रोपोब्लास्ट जो कि बाहर की लेयर को घेरे हुए होती है, एम्ब्रियोनिक मास को कवर किए हुए होती है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू मार्क्स क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ ऑक्सीटोक्सिन इन अ पार्चुरेशन एंड ट्रिगर इट्स रिलीज फ्रॉम व्हाट ट्रिगर। कहते हैं ऑक्सीटोक्सिन का क्या काम है। ऑक्सीटोक्सिन जब डिलीवरी या हम पार्चुरेशन की बात कर रहे हैं तो बेबी को आगे पुश, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना जिससे बेबी बाहर की तरफ पुश हो और डिलीवर्ड हो सके, और इसको ट्रिगर कौन करता है, ठीक है। जैसे ही फिटस डेवलप हो जाता है तो वहाँ से स्टिमुलेशन जो है ब्रेन की तरफ भेजे जाते हैं और वो ऑक्सीटोक्सिन को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन एंड एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, कि अगर हम देखें तो कहाँ पर होता है, एम्प्यूला के अंदर होता है, एम्प्यूला में। और फर्टिलाइजेशन वी नो वेरी वेल कि 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन, कोर्टिकल रिएक्शन, स्पर्म एंट्री, कैरियोगेमी एंड एक्टिवेशन ऑफ एग, दैट आर द स्टेप्स ऑफ इन विच दे फर्टिलाइज्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास है वेयर आर फिम्ब्री प्रेजेंट इन अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टेशन गिव देयर फंक्शन। फिम्ब्री क्या है, फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पर है, फेलोपियन ट्यूब में जो इनफंडिबुलम फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। और ये जो है जब जरूरत पड़ती है तो ये अटैच हो जाता है किसके साथ, ओवेरी के साथ, और वहाँ से एग रिसीव करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्रॉ अ लेबल
पार्ट्स ऑफ द हेड रीजन ऑफ ऑन ह्यूमन स्पर्म। देखिए यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाना है आप लोगों को, हेड रीजन के आप तो पूरा ही बना दीजिए ना, तो उसमें हेड रीजन में एक्रोसोम, न्यूक्लियस, जितनी नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप लोग जानते हैं, वो उसमें एक्सप्लेन कर बता दें। उसके बाद है एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी जो है कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से हार्मोन जो है किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो होती है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, कौन से, FSH और LH। FSH का काम क्या है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। ओके, LH जो है वो लीडिंग सेल से हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करवाता है। एंड्रोजन फिर अपना रोल प्ले करते हैं, मेल करेक्टर पैदा करने में रोल प्ले करते हैं और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। और FSH जो है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना रोल प्ले कर सके और स्पर्म फॉर्मेशन हो। तो इस तरीके से जो है रेगुलेट होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस द टोटल प्रोसेस। वेयर लीडिंग सेल प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन लीडिंग सेल, कहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होती हैं, यानी जो स्पर्म सेमिनिफ्रेस टेब्यूल होती है उनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें लीडिंग सेल प्रेजेंट होती है। ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। राइट, द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द मियोमेटेरियम एंड एंडोमेटेरियम। भाई ये जो हैं वो यूट्रस की वॉल हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं यूट्रस की तीन वॉल होती है, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम। मिडल वाली जो लेयर है वो मायोमेटेरियम है और जो अंदर की लेयर है वो एंडोमेटेरियम है, जो कि थिकनिंग, इसकी थिकनिंग जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर ये फॉर्म होती है, थिक होती है और फिर जो है दोबारा रिड्यूस हो जाती है, इस तरीके से उसकी थिकनिंग जो है इफ़ेक्ट होती रहती है। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेन द इवेंट फॉलो द फर्टिलाइजेशन व्हेन द स्पर्म कम कॉन्टैक्ट विद द ओवम एंड फेलोपियन ट्यूब ऑफ, यानी वो इवेंट्स क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, जब जैसे कि हम लोग फर्टिलाइजेशन की इवेंट की बात करते हैं तो जैसे ही टच करता है, स्पर्म टच करता है तो जो कि ओजेनेसिस का मियोसिस डिवीजन था जो रुका हुआ था वो कंटिन्यू होता है। फिर उसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से पेनेट्रेट करके स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म में न्यूक्लियस और सेंट्रियोल एंटर करते हैं और फिर उनका फ्यूजन होता है और जिसे हम लोग कैरियोगेमी बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन एंड वेयर क्रोनिक विलाई अपीयर इन द ह्यूमन एंड स्टेट देयर फंक्शन। देखिए जब इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पिट बनाने के बाद उसमें बरीड हो जाती है, तब क्रोनिक विलाई की फॉर्मेशन होती है और क्रोनिक विलाई जो है पैरासाइटिक रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको सारा नरिशमेंट जो है यूट्रस से प्रोवाइड करवाती है, तो एक उनके बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राइट राइट द इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH इन मेच्योर ग्राफिन फोलिकल। क्या जब LH का लेवल ज़्यादा हाई होता है तो ग्राफिन फोलिकल रैप्चर हो जाती है, उसमें से एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है जिसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द मेजर स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन द ह्यूमन ओवरी ड्यूरिंग द फोलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिफरेंस बिटवीन अ मेजर स्ट्रक्चर चेंज इन द ह्यूमन ओवेरी, ह्यूमन ओवेरी में क्या चेंज होता है फोलिकुलर और ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कह रहा है कि ह्यूमन ओवेरी में क्या बदलाव होते हैं। देखिए जब फोलिकुलर फेज होती है तो उसके अंदर एक जो है ग्राफिन फोलिकल डेवलप होता है। फोलिकुलर फेज में जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फोलिकुलर फेज आती है और कंप्लीट ग्राफिन फोलिकल बनता है।
ये बदलाव होता है। और फिर जब ल्यूटियल फेज आ जाती है तब एग जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका होता है, जो ग्राफिन फोलिकल है वो येलवी स्ट्रक्चर्स में बदल जाती है और तब जो है वो कॉर्पस लूटियम बन जाता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और जब फोलिकुलर फेज के अंदर एस्ट्रोजन और एस्ट्रोडियल रिलीज करता है। ये ह्यूमन ओवेरी के साथ रहता है। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेनार्के एंड मेनापोज। मेनार्के क्या होता है, जब पहली बार किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसे बोलते हैं मेनार्के, और मेनापोज जो होता है वो लास्ट कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके बाद उसके अंदर एग फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है और आगे की प्रोसेस रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द रोल ऑफ द गोनाडोट्रोपिन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट प्ले द रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डू गोनाडोट्रोपिन रीच ऑन अ पीक। ओके, अगर हम लोग गोनाडोट्रोपिन की बात, यहाँ पर हमारे पास मेंशन द रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिन, जो कि हमारे पास कौन से हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, FSH और LH। FSH का क्या काम है, फोलिकुलर सेल्स को मैच्योर करना है, डेवलप करना है, जिससे कि वो आगे की प्रोसेस में भाग ले सके, आगे एग फॉर्मेशन ग्राफिन फोलिकल बन सके। और फिर उसके बाद जो है LH जो है उस ग्राफिन फोलिकल को तोड़कर उसमें से एग रिलीज करवाता है और एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो वो 14th डे होता है जब ये पीक पर होता है, जिसमें LH जो है अपने पीक पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्टोली सेल इन डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। सर्टोली सेल उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं और पूरे डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है, और स्पर्म बनने के बाद भी वो एम्बेडेड रहते हैं और सर्टोली सेल के साथ टच में रहते हैं जब तक कि वो रिलीज ना हो, स्पर्मिएशन ना हो उनके अंदर। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो है नरिशमेंट एक जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो सर्टोली सेल ही करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाई आर दी ह्यूमन टेस्टिस सिचुएटेड इन द स्कोटम आउटसाइड ऑफ द एब्डोमन। क्योंकि हम जानते हैं, ये क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो गया है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन है वो बिलो 37 होता है और बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, इसलिए आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम बनाना है, जो आप लोग पूरा लेबल्ड भी होना चाहिए, उसमें हर पार्ट को आप लोगों ने अच्छी तरीके से बताना है, और किसी भी पार्ट के लिए जो है आप लोग अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हैं उस डायग्राम को अच्छा बनाने या इम्पैक्ट करने के लिए, जिससे कि आपका अट्रैक्टिव हो। बट लेबल ज़रूर करना है आप लोगों को डायग्राम, जितने भी डायग्राम आए हैं या डायग्राम दिए होते हैं तो उनको लेबल करके ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से हमारे पास लगभग 42 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपलोड करेंगे।